बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मुझे बिल्कुल लगता है कि हम इनको अच्छा मुकाबला दे सकते हैं और आगे फाइनल तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस भी देखें तो आर्मी और अगेंस्ट हमारे जो है बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ था, और शुरू के कुछ सेकंड में ही हमारी डिफेंस की गलती से गोल हो गया, तो पूरे टाइम में 90 मिनट में आर्मी हम पे गोल नहीं कर सका था। तो हमारे पास जो टीम है वो सारे यंगस्टर हैं, अंडर 16 है, 18 है, मैं मोस्ट सीनियर हूँ अपनी टीम में, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम इस यंग ब्लड के साथ आगे जा सकते हैं और फाइनल तक इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे और ट्रॉफी भी उठाएंगे। देखिए, जब आप फील्ड में उतरते हैं तो ना कोई आपका दोस्त है, आप फुटबॉल खेलना है, और जब हर कोई आता है ग्राउंड में तो वो सीखता है, इससे वो उनको सीखेंगे, मोटिवेशन भी मिलेगी। ये उनके कोचेस का काम है, मैनेजर्स का काम है कि उनको सिखाएं कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर से सीखें, डीमोटिवेट नहीं हो, इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। और डेफिनेटली जो सीनियर्स टीम है वो जब ग्राउंड में उतरेंगी तो कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि हम खेलने फुटबॉल आएँ, और जितना ज़्यादा स्कोर्स हम करेंगे उसके लिए हमें आगे जाने के लिए चांसेस ज़्यादा हैं, क्वार्टर्स के लिए, सेमीज़ के लिए। मुझे लगता है कि इस दफ़ा बहुत अच्छी चैंपियनशिप हो रही है, जो आप लोग ने इंडिविजुअल प्राइज़ रखे हैं इस दफ़ा नेशनल चैंपियनशिप इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए, ना सिर्फ एक इस दफ़ा ना सिर्फ हाईएस्ट स्कोरर और बेस्ट प्लेयर नहीं है, बेस्ट गोलकीपर नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल प्लेयर को फोकस किया गया है, डिफेंस, मिडफील्डर और डेवलपमेंट स्टेजेस भी बनाए गए, तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। मैं और जो ग्राउंड्स आप लोग ने इस दफ़ा हर टीम को हर ग्राउंड में खिलाया गया, ये भी बहुत अच्छा प्लस अच्छा पॉइंट है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि रेफरीशिप पे थोड़ा फोकस किया जाए, क्योंकि आज के मैच के बाद हम लोग थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। मेरी हमारी बच्चियाँ जो सारी छोटी हैं वो हम फिर भी समझते हैं हम कर लेंगे, लेकिन छोटी बच्चियाँ हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हैं, तो उनको वापस उस लेवल पर लेके आना कि नहीं आपने खेलना है, तो ये हमारे लिए भी एक टफ जॉब हो जाती है। इतने बड़े चैंपियनशिप में आके जहाँ हमें आप लोग की रेफरीशिप की रेफरीज की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मेरी यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर फोकस किया जाए, फेयर प्ले किया जाए और फुटबॉल खेला जाए, एंड दैट्स ऑल।